अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और लास्ट टाइम हमने पंचायत पढ़ा था, आज हम सबक पढ़ेंगे आराम उसकूम, जिसके राइटर हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। और सबसे पहले हम इस सबक की स्टोरी देख लेते हैं। ये एक ड्रामे की सूरत में लिखा गया है और हम इसकी स्टोरी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं और इस कहानी का आखिर खुलासा क्या है। मियाँ इशफाक साहब घर में बीमार पड़े थे। डॉक्टर साहब ने इनका इलाज सिर्फ आराम तजवीज़ किया। इनको ज़्यादा काम करने की वजह से थकावट हो गई थी। बीवी ने डॉक्टर से वादा किया कि इनके कमरे में मुकम्मल खामोशी रहेगी। डॉक्टर चला गया तो बीवी अपने मियाँ को आराम की तलकीन करने लगी कि मियाँ को आराम पहुँचाने की बजाय ख़ुद बेआरामी का बायस बन गई। शोहर आराम करना चाहता था लेकिन वो बार बार तंग करती रही, कभी खाने का पूछती तो लंबी चौड़ी तकरीर करती रही, कभी ऊँची आवाज़ में नौकर को डांटती तो कभी अपने रोते हुए बच्चे को, जो खावंद के लिए हर लम्हा अजाब बन गया। सक्का पानी लेकर ज़रा देर को पहुँचा, सक्का उनका नौकर था। बीवी इस पर भी बरस पड़ी, बच्चा खिलौने से खेलने लगा तो इसे डांटना शुरू कर दिया। हर एक को झिड़कते वक्त ऊंची आवाज़ में डांटती। याद रहे कि जब बीवी जो है वो सबको तलकीन करते हुए डांटते हुए अपनी आवाज़ ज़रा भी धीमी नहीं करती, बल्कि और ज़ोर ज़ोर से और चिल्ला चिल्ला कर बात करती है, जिससे मियाँ का सुकून बर्बाद हो रहा है। बज़ाहिर मियाँ को आराम पहुँचाने की कोशिश में वो उनको मज़ीद परेशान कर रही थी। मियाँ इस शोर शराबे से तंग आकर कराहने लगे, मगर बीवी का इन पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कमरे में झाड़ू की आवाज़ और गर्द ने मियाँ का इस्तकबाल किया। मियाँ ने नौकर को किसी न किसी तरह कमरे से निकाला ही था कि फ़ोन की घंटी बजने लगती है। वो आवाज़ें देते हैं लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता। तंग आकर वो अपनी बीवी पर बरस पड़ते हैं और वो फ़ोन उठा लेते हैं, जिस पर आकर उनकी बीवी उनको बातें सुनाती है कि डॉक्टर ने आपको आराम का कहा है और आप फ़ोन सुन रहे हैं। अभी फ़ोन वाले मामले से जान छूटती ही है कि हमसाए से हारमोनियम की आवाज़ आने लगती है। मियाँ बीवी से बोला, इस साहबजादे को ख़त लिखो कि हारमोनियम बंद कर दे, मेरा दम उलझता है, इसलिए आज नगमा सराई ना फरमाएं। बीवी ख़त लिखने बैठी तो इनका बच्चा गिर गया। बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। बीवी ख़त लिखती और साथ साथ बच्चे को डांटती रही। यूँ मियाँ परेशान हो गया हमसाए से मौसीकी की आवाज़ और बच्चे के रोने की आवाज़ दोनों मिल चुकी थी। अब जो शोर शराबा हो रहा था कि दरवाज़े पर एक फ़कीर ने मांगना शुरू कर दिया। मियाँ ने इसे रुख्सत करने का कहा तो बीवी लल्लू को आवाज़ें देने लगी, लल्लू फ़कीर को रुख्सत करो। लल्लू ने गोदाम में रेठे कूटने शुरू कर दिए। इस धमक की आवाज़ से मालकिन की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, गर्ज एक अफरा तफरी की फ़िज़ा घर में कायम हो चुकी थी। मियाँ इस बेसुकूनी से घबरा गया, उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। बीवी ने चिल्ला कर दरियाफ़्त किया कि कहाँ की तैयारी है, तो इसने जवाब दिया, दफ्तर आराम सुकून के लिए। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम जो चीज़ सबसे वाजह नोट कर सकते हैं वो यही है कि जिस चीज़ की तलकीन डॉक्टर उसको करके गया था वो उसको घर में बिल्कुल नहीं मिली। और अगर हम इनका खुलासा लिखने बैठे तो इसकी तरतीब कुछ इन हेडिंग से हो सकती है। मियाँ की अलील तबीयत और आराम का मशवरा, उस पर बीवी की हंगामा आई, नौकर की झाड़ू की और गिद की आवाज़, हमसाए के हारमोनियम की आवाज़, बच्चा गिरने और फ़कीर की आवाज़, लल्लू के हावन दस्ते में रेठे कूटने की आवाज़, मियाँ का तंग आकर दफ्तर जाने का फ़ैसला, इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो एक स्टोरी में हमें मुकम्मल तौर पर सुनने को मिली हैं। मियाँ बीमार, डॉक्टर का आराम का मशवरा, बीवी आराम सुकून की दुश्मन, ये तमाम हेडिंग्स बन सकती हैं स्टेप बाई स्टेप। बीवी का बतूनीपन, माश के सक्के की डांट टपक, परहेजी खाने के सवालात, घंटी पर फ़ोन उठाने पर डांट टपट, नौकर की डांट टपट, बच्चे की गाड़ी का शोर, बीवी की डांट, हारमोनियम की आवाज़, फ़कीर की सदा, मियाँ की बेसकूनी, बच्चे के रोने की आवाज़, दफ़ा जाने की तैयारी, ये तो तमाम वो लवाजमात हैं जो स्टोरी के स्टार्ट से मियाँ बीमार से लेकर दफ़ा जाने तक की तैयारी के दरमियान में आते हैं। तो इसके बाद जो है हम इसके सवालात देखेंगे। इस सवालात में है कि रोज़ाना आराम सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। रोज़ाना आराम सुकून ना किया जाए तो इंसान थकावट की वजह से बीमार होता है। बीमारी की सूरत में आराम सुकून के लिए ज़्यादा वक्त निकालना पड़ता है और रोज़मर्रा के मामूलात भी मुतासर होते हैं। बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? बच्चों, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब वो बीमार होता है लेकिन उसके बावजूद वो दफ्तर जाने की क्यों सोचता है? डॉक्टर ने मरीज़ को आराम का मशवरा दिया लेकिन घर में फैली अफरा तफरी शोर गुल की वजह से मियाँ बेजार हो गया और दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गया। इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? ड्रामे से हासिल करता सबक, इस ड्रामे से हमें ये पता चलता है कि घर की फ़िज़ा को पुरसकून रखना ज़रूरी है। शोरगुल और बदनज़मी की सूरत में मसाइल जन्म लेते हैं, इंसान के साहब को थका देते हैं। बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है।
शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है? सूती आलूदगी, शोर की आलूदगी को सूती आलूदगी कहते हैं। सूती आलूदगी से मुराद है शोर की आलूदगी इंसान के असाबी निज़ाम को बराह रास्त मुतासर करती है, जिससे समात में कमी, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। उसके बाद है सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, सेहतमंदी के असूल। सेहतमंद रहने के लिए उमदा खुराक, मुनासब आराम, शोरगुल से इजतनाब, पुरसकून फ़िज़ा और हिम्मत के मुताबिक काम ज़रूरी है। हमसाए की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? मियाँ अशफाक का हमसाया अपना हारमोनियम बजाकर बेसुरा गाना गा रहा था, जिससे मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस ड्रामे से जो सबसे मेन चीज़ हमें सबक हासिल होता है वो ये है कि घर में आराम और सुकून होना कितनी ज़रूरी बात है। अक्सर औकात घर का जो ख़राब माहौल होता है वो बंदे को ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर करता है। इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस ड्रामे में बीवी जो है वो अपने शोहर को मज़ीद बीमार करने के लिए वो तमाम लवाजमात कर रही है जो कि डॉक्टर ने मना किए हैं। तो चलिए, नेक्स्ट टाइम में जो है वो हम इसकी डिक्टेशन और अल्फाज के मानी देखेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।